जब भारत के ज्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन खोलकर जीवन को बस पटरी पर लाने की कोशिश ही हो रही थी, तभी तीसरी लहर को लेकर हो रहे दावे चिंता बढ़ा रही थी। बहुत से लोगों ने तो मास्क लगाना और कोविड के नियमों को मानना भी बंद कर दिया था। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रोजाना होने वाले संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। अब भारत में 50,000 से भी कम कोविड के केस आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच लोगों को कोविड की तीसरी लहर का डर सता रहा है। खास करके डेल्टा प्लस वेरिएंट के ज्यादा घातक होने का और तेजी से लोगों के संक्रमित होने की रिपोर्ट से लोग डरे हुए हैं। थर्ड वेव को लेकर रोज आने वाले नए नए दावे भी चिंता बढ़ा रही है। भारत के ज्यादातर शहरों में लॉकडाउन खोल दिया गया है और जीवन फिर से पटरी पर आ रही है हमारी। इसी बीच लोगों ने कोविड के केस घटने के साथ साथ एक बार फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना बंद कर दिया है। पिछले महीने ही लोगों के इस व्यवहार पर चिंता जताते हुए एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप ने कहा, जब तक भारत में जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन ना लग जाए, तब तक कोविड के नियमों का कड़ाई से हम लोग को पालन करना होगा। ऐसा ना होने पर उन्होंने अगले 6 से 8 हफ्ते में कोरोना वायरस की तीसरी देशव्यापी लहर आने का डर भी जताया है। भारत में तीसरी लहर को लेकर हर हफ्ते नए दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यह कब आएगी, यह कितनी खतरनाक होने वाली है और इसकी क्या वजह होने वाली है, ये दावे से नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे विशेषज्ञों के द्वारा अगली लहर का अनुमान लगाने की तकनीक बताई गई है। उनके मुताबिक अगली लहर का अनुमान इन 3 बातों के आधार पर लगाया जा सकता है। पहले यह कि जिन्हें संक्रमण हो चुका है या वैक्सीन लग चुकी है, उनकी वायरस प्रतिरोधक क्षमता और उनके फिर से संक्रमण होने का डर। वायरस के जो नए खतरनाक वेरिएंट फैल रहे हैं, क्या वो पहले से मौजूद प्रतिरोधक क्षमता के बावजूद भी लोगों को संक्रमित करेंगे? लॉकडाउन में जो छूट दी गई है और लोग जैसी लापरवाही कर रहे हैं, क्या इससे संक्रमण के नए अवसर पैदा होंगे? भारत में कोविड-19 की थर्ड वेव की संभावना नाम से एक स्टडी की गई इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में इसे प्रकाशित किया गया है। इसके मुताबिक भारत में कोरोना की एक बड़ी तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन ये दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी। इस स्टडी में कहा गया कि कम होती प्रतिरोधक क्षमता या बदला हुआ वेरिएंट एक घातक तीसरी लहर लाने में नाकाम रहेगा, जब तक कि पहले वायरस से संक्रमित हो चुके लोगों की प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह खत्म ना हो जाए। वैसे अगर बात किया जाए डेल्टा प्लस वेरिएंट का, तो आंध्र प्रदेश में इसका 1-2 मामला ही अभी तक आया है और इससे संक्रमित हुए व्यक्तियों में कोई गंभीर लक्षण नहीं दिखे। साथ ही उसके संपर्क में आए लोगों की जांच में भी सभी नेगेटिव पाए गए। जबकि ICMR अपनी स्टडी में कहता है कि संक्रमण की R वैल्यू जब तक 4.5 से ज्यादा नहीं होगी, तब तक कोई भी वायरस इतनी तेजी से फैल नहीं सकता और इससे कोई बड़ी घातक तीसरी लहर नहीं आएगी। यानी कि जब तक एक संक्रमित आदमी हर बार कम से कम 4 से 5 लोगों को संक्रमित नहीं करेगा, तब तक कोई बड़ी लहर आने का खतरा नहीं है। ऐसे में विशेषज्ञों का यही मानना है, अगर वैक्सीनेशन तेजी से होता है तो भारत को भविष्य में आने वाली कोरोना की वेव से काफी हद तक सुरक्षा मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि भारत में आने वाली थर्ड वेव का टॉपिक आपको समझ आया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन जरूर दबा लें, और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।